हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार। आप सबको मेरा नमस्कार। आज की इस नई वीडियो में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। तो आज हमारे साथ हैं रोहित जाखड़ जी। तो आज इनके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो हैं फाइनल ईयर CSE फाइनल ईयर में हैं और साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब में काफ़ी अच्छी अर्निंग कर भी रहे हैं। तो इनकी जो अर्निंग है अराउंड 4 to 5 lakhs पर एनम है। और ये आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन का केंद्र रहेगी जो अर्निंग भी करना चाहते हैं और साथ में लर्निंग भी करना चाहते हैं। तो उन सब के बीच में बैलेंस कैसे बनाए और कब से स्टार्ट करें और कैसे अपने एम को पहचानें, तो ये वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड है। तो उनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में रोहित जाखड़ जी खुद बताएंगे, तो सर बताइए। हाँ, मेरा नाम रोहित है और मैं नेटिव एंड्रॉयड डेवलपर हूँ। बेसिकली मैं एंड्रॉयड ऐप बनाता हूँ और इसके साथ में मुझे क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट भी आती है, जिससे हम सभी प्लेटफॉर्म के लिए हम ऐप बना सकते हैं। और इसके साथ मुझे थोड़ी बहुत वेब डेवलपमेंट भी आती है। तो सर, आपकी जो जर्नी है थोड़ी सी स्कूल लाइफ से और फाइनली जॉब तक, तो इसके ऊपर ये इंटरव्यू रहने वाला है। तो आप कैसे स्टूडेंट रहे हैं थोड़ा सा 10th 12th में, और फिर आपने कैसे अपने एम को पहचाना है, तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताना। बेसिकली मैं ये एवरेज स्टूडेंट था। नॉर्मली 60-70% नंबर लेने वाला था, पर मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में और कंप्यूटर वाली चीज़ों में रहता था। और 11th मैंने साइंस ली थी और उससे बाद में मैंने बीटेक करने का सोच लिया था CSE ब्रांच से। तो फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन ले ली CSE ब्रांच में। तो सर, जब एक स्टूडेंट होता है और वो 12th क्रॉस करता है, तो उसके मन में होता है कि वो अभी आगे जो है कुछ करने के लिए कुछ दिमाग में रख के चलता है, और उसके बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, और बेसिकली वो अपना एक एम डिसाइड करके चलता है। तो वो आपका भी एम रहा होगा, वो एम क्या था, उसके बाद कब आप अपने जो आज सीख रहे हो उस पर शिफ्ट हुए, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। एम सिलेक्शन और देन उसके बाद जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, और फिर बेसिकली हम अपने करियर को चुनते हैं, ये बीच की जर्नी कैसी थी। एम तो मेरा पहले से डिसाइड हो गया था। मैम बदलते रहते हैं। तो शुरू में जो माइक्रोसॉफ्ट है उससे मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था सिर्फ 7th में। फिर मैंने थोड़ा और एक्सप्लोर किया, फिर मैंने बनाया कि अपनी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी बनानी है। फिर धीरे धीरे 11th मैंने थोड़ा ब्लॉग वगैरह के बारे में मैंने थोड़ा जाना। फिर कंप्यूटर ब्रांच में एडमिशन लेने के बाद में फिर मैंने एंड्रॉइड ऐप पे थोड़ा शिफ्ट किया और इस पर मैंने प्रोसेस किया भी। तो सर, आपने कब इस पे मतलब स्टडी एक होता है ना कि हमें एक बार अपना इंटरेस्ट सिलेक्ट हो जाता है, उसके बाद फोकस जब करने बैठते हैं तो हमारा जो है मन इधर उधर चीज़ों में जाता है, इंटरेस्ट हमें पता चल गया है, लेकिन फिर भी हमारा, जैसे हम घर पे जाते हैं तो घर पे पढ़ाई नहीं होती, वो इसी वजह से नहीं होती कि हमारा मन इधर उधर भटकता है, तो फोकस कैसे रहे। फोकस एक तो होता है अपना जॉब सीख रहे हो उसमें एम बना लो। जैसे आप थोड़ी सीख रहे हो तो उनमें जो प्रोजेक्ट होता है उसका एम बना लो कि मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है। पूरी लाइन कभी समझ नहीं आती, आप प्रोजेक्ट वाइज उसे सीख लो। भाई मुझे 7 दिन में ये प्रोजेक्ट बनाना है, मैंने कोई भी छोटा सा प्रोजेक्ट उठा लो तो उन्हें कंप्लीट करते रहो, तो उससे आप फोकस रह सकते हो। तो आई थिंक प्रोजेक्ट्स जो है आपकी जो आगे इंटरव्यू लेने वाली कंपनी है वो आपसे दो ही तरह के क्वेश्चन पूछती है, या तो आपकी जो बैकग्राउंड नॉलेज क्या है वो, या आपके जो आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं वो। तो दो तरह से इंटरव्यू होते हैं, एक आपको टेक्निकली जांचने के लिए और दूसरा है आपके काम से आपकी पहचान होती है। तो अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपका इतना इंटरव्यू में 80% जो है क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, तो ये बढ़िया चीज रोहित जी ने बताई। तो उनसे मैं नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई इंटरेस्ट अपना पहचान चुका है, यानी कि वो उसके लिए पैशनेट है, तो पैशनेट होने के बाद उसको हार्ड वर्क की जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ पैशनेट वर्सेस हार्ड वर्क, तो इनमें से सक्सेसफुल कौन होता है जल्दी। इसमें से वो होता है जो दोनों के साथ मिले चलता है। पैशनेट होने से सक्सेस नहीं हो सकती, आपको उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं पड़ती है जो भी आप चीज़ पढ़े रहे हो।
आज की दुनिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर बंदा डेवलपर मिल जाएगा पर उसे कितनी नॉलेज है वो उसे हार्डवेयर करना पड़ेगा, उसे दूसरे से प्रोजेक्ट उसे देखने पड़ेंगे, रिव्यू करना पड़ेगा सारा कोड, और उसमें बहुत ज़्यादा हार्डवेयर चाहिए, तो दोनों चीज़ साथ चलनी पड़ेगी। मतलब अगर हम सक्सेसफुल पर्सन की डेफिनेशन दें तो उसको पैशनेट प्लस हार्डवर्क, हाँ तो चीज़ें जरूरी हैं। हाँ तो अगर मैं कहूँ आपको कि लगभग स्टूडेंट्स को अपना जो है पैशन पहचानने में दिक्कत होती है, तो वो कैसे फिगर आउट करें? हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ था, मैंने 2 साल लगभग हर फील्ड एक्सप्लोर की थी और अभी मेरा थोड़ा बहुत एम इधर उधर हो जाता है, मैं वो जो नई चीज़ आ रही है वेब 3 आ रही है, ब्लॉकचेन आ रही है, वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर कर लेता हूँ, वो एक अच्छा पॉइंट है, पर आपका जो तो मेन फोकस है उसको आप पहले पहचानो, वो आप जो आपको तो कोई पता नहीं है तो जितनी फील्ड आपको मिल रही है उनमें 3 महीने जरूर दो उन्हें समझने में, और वो समझ में आ जाए आपको अच्छी लगे तो उस पर फोकस करो, वरना उसे छोड़ के दूसरी चीज़ पे फोकस करो। तो ये इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि कोई भी अगर आपको पैशन नहीं मिल रहा है, अपना इंटरेस्ट नहीं पहचान में आ रहा है, तो आप पहले हर चीज़ को एक्सप्लोर करना थोड़ा सा शुरू करो, और उसके बाद आपको अपना इंटरेस्ट जिस भी चीज़ में दिखे उस चीज़ में उस फील्ड में थोड़ा सा अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर देते हो। तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। तो हार्डवर्क आपने बोला कि हार्डवर्क करना चाहिए, तो हार्डवर्क में एक चीज़ और आती है कि बैलेंस कैसे बने। तो आपने अपनी आप जैसे सीएससी फाइनल ईयर में हैं, तो आपने अपना जॉब प्रोफाइल कब कौन से ईयर में स्टार्ट कर दिया था, जब आपकी एज अ पार्ट टाइम जॉब या फ्रीलांसिंग जॉब स्टार्ट हो गई थी? मैंने 3rd ईयर में एज ए कंपनी जॉब कर ली थी पार्ट टाइम, उससे पहले मैंने फ्रीलांस प्रोजेक्ट भी वर्क किए थे। ओके, तो सर आपने तो काफ़ी बैलेंस बनाया होगा, तो बैलेंस कैसे बनाए? अगर कोई किसी व्यक्ति को अगर मिल जाती है अपॉर्चुनिटी कि वो उसको फ्रीलांसिंग से ऑफर आते हैं, उसके बाद उसको एक बैलेंस क्रिएट करना होता है कि वो कॉलेज के काम में ही उलझा रहता है, तो लर्निंग अर्निंग और देन जॉब, ये इन सब में कैसे बैलेंस बना के रखें? बैलेंस तो ये पहला लर्निंग जो भी चीज़ आपको अच्छे से आती है ना, फिर आप उस पर अर्न वाले स्टेप पे जाओ, और टाइम तो आपको थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉलेज तो वैसे 9 to 5 होता है, उसके बाद में आपके पास बहुत टाइम होता है, आप थोड़ा लेट सोना शुरू कर दें वहाँ से टाइम आपका आ जाएगा, वो थोड़ा तो आप बाहर घूम जाते हो थोड़ा कम कर दें वहाँ से भी आपका टाइम आ सकता है, वहाँ से आप अपना जो काम करना होता है वो कर सकते हो। बेसिकली हर सक्सेसफुल पर्सन के पास 24 घंटे होते हैं, उसको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, नहीं है तो डेवलप करने की कोशिश करें। तो अपने एम अपने टारगेट को क्लियर रखें और उसके बाद अपना इंटरेस्ट के हिसाब से अपना टाइम निकालें। तो सर आपका जो है क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि कॉलेज प्लेसमेंट्स का क्या रोल रहता है करियर सिलेक्शन में, क्योंकि कई बार बच्चे कॉलेज वही सिलेक्ट करते हैं जिसमें प्लेसमेंट अच्छी हो रही है? हाँ, ये अभी थोड़ा कम हो रहा है, बहुत पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, अभी धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है, क्योंकि जो ऑनलाइन प्लेसमेंट चल पड़ा सिस्टम उस वजह से बहुत कम हो रहा है, पर मेरे हिसाब से कॉलेज पे डिपेंड होना तो जरूरी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, अगर आपको कोई स्किल्स आती है तो कंपनी आपको जरूर ही मिल जाएगी, अगर कॉलेज में प्लेसमेंट मिल रही है तो ये प्लस पॉइंट है, पर इस पर डिपेंड होना जरूरी नहीं है। तो सर आपने जैसे कॉलेज के साथ ही स्टार्ट करना था, तो एग्जाम प्रेशर आता होगा आपके ऊपर, तो एग्जाम प्रेशर को साथ साथ जॉब का भी रहता है, कई बार हमारे पास सामने से वर्कलोड बढ़ जाता है, तो ऐसे में एग्जाम प्रेशर को और उन सब चीज़ों को साथ साथ कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपनी लास्ट नाइट फुल फोकस करके पढ़ते हैं, या ऑन एन एवरेज लास्ट मंथ में अपनी स्टडी को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना शुरू करते हैं, तब वो अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो ऐसे में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ता है स्टडी के साथ ही, या आप भी वो चीज़ फॉलो करते हो कि एक मंथ में ही जो है सारे सब्जेक्ट्स को की बेसिक नॉलेज लेके एग्ज़ाम पास आउट करना, यानी कि एग्ज़ाम में मार्क्स जो बढ़ते हैं उस चीज़ पे कितना इफेक्ट पड़ता है, एग्ज़ाम्स और जॉब में कैसे बैलेंस होना? हाँ, एग्ज़ाम में थोड़ा रहता है सर, तो एग्जाम के टाइम पे आप अपनी जो ये पार्ट टाइम जॉब चल रहे हो फ्रीलांस प्रोजेक्ट है उसमें से आप ब्रेक ले लो थोड़े दिन के लिए, और जब आप कॉलेज चलता है
उस टाइम आप जो बेसिक नॉलेज बना लेते हो धीरे धीरे बना लो उस टाइम, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो इसी से जुड़े होते हैं, तो वहाँ से थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लो और एग्जाम के टाइम पे जो आपके पुराने पेपर में जो आए हुए हैं जो सो रहे उन्हें पढ़ लो तो आपका थोड़ा हो सकता है। और नंबर तो मैंने कभी अपने देखे नहीं एग्जाम कैसे नंबर आए हैं, बस पास हो जाए वो देखता हूँ, और नंबर अभी आधे टाइम पे इतने मैटर नहीं करता। तो आपको कंसिस्टेंस जो है स्टडी रखनी पड़ेगी, अपना इतना मेटेरियल आपको रेगुलर तैयार करना रखना पड़ेगा कि आप जो है एग्जाम्स को क्रैक कर पाए। तो आप अपनी जॉब के साथ इस चीज़ को शुरू से ही ध्यान में रखें। तो नेक्स्ट सर, आप अपने आप को एज अ स्टूडेंट तो अभी एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन आपका फाइनल एम क्या है जो जहाँ पे आप अपने आप को रिटायरमेंट पे खुश महसूस करेंगे? रिटायरमेंट तो मैंने अभी सोचा नहीं है, क्योंकि मेरा तो अभी है जब तक ज़्यादा काम करना ही पड़ेगा, तो काम के नाम के लिए क्या फिर। और सक्सेसफुल तो ये है भाई टॉप वाली जो पोजिशन है वहाँ पे प्रमोशन होता रहे धीरे धीरे, वहाँ ये बात है काम पे पहुँच सकते हैं, गलत बात है। बेसिकली कंटिन्यूस ग्रोथ लाइफ में होती रही, तो बेसिकली आपको जो कंटिन्यूस ग्रोथ मिलती है वो ग्रोथ आपको आपकी लर्निंग दिलाती है, आपकी नॉलेज के देन है। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है लेकिन डिपेंड करता है आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज कितनी है। तो सर आपने जैसे बताया कि रिटायरमेंट का भी आपने थोड़ा सोचा नहीं है और आपको कंटिन्यूस ग्रोथ चाहिए, तो इससे एक चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि जब स्टूडेंट कई बार प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं तो वो अपना एक दिमाग में रखते हैं कि मेरे को जो है 50,000 पर मंथ की सैलरी ऑफर हो, या हमें जो है 6 लाख 5 लाख अराउंड मिनिमम मिले, या कई अपनी नॉलेज के हिसाब से 10 लाख भी रखते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए जब हम फ्रेशर हैं और हमारे दिमाग में एक राउंड ऑफ फिगर लेके चले, या हम अपने आप को उस कैटेगरी में डालें कि हमें सिर्फ अभी पहले सीखना है बाद में ग्रोथ करनी, तो कंपनी का सिलेक्शन कैसे करें और अपनी सैलरी को कैसे डिसाइड करें? तो कंपनी की सैलरी का तो ऐसा है कि आज के टाइम पे बच्चों में रहता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी वाली मिल जाए, पर आप ये सोचो जो आपका मिनिमम खर्चा है वो सैलरी देख लो, और जो कंपनी है वो देखो कंपनी से टाइप की है, वहाँ पे जो वर्क कल्चर वो कैसा है, वहाँ पे जो आपके मैनेजर होने वाले टीम लीडर होते हैं वो कैसे है, तो उससे आपकी जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा होती है। तो बेसिकली आपको ग्रोइंग कंपनी को सिलेक्ट करना है, भले ही आप जैसे कि अगर हमें 22,000-25,000 की जो भी ऑफर हो रही है लेकिन वो ग्रोइंग कंपनी नहीं है, तो आप उसको स्किप करके आप वहाँ पे जाइए जहाँ आपको इंटर्नशिप भले ही 18,000 की मिल रही है पहले साल के लिए, उसके बाद आपकी कंटिन्यूस ग्रोथ। हाँ सैलरी तो 2-3 साल में तो अपनी आ जाएगी, जो 3 साल उससे भी ज़्यादा आ जाती है 2-3 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद। तो नॉलेज से आपकी जो जहाँ जिस कंपनी में ग्रोथ अच्छी हो, जिस कंपनी का पोटेंशियल ज़्यादा हो, बेसिकली उस कंपनी में सिलेक्ट करें। तो सर ऐसे में आपको जो है कॉलेज जो स्किल्स प्रोवाइड करता है, तो कॉलेज की स्किल्स या कॉलेज की स्टडी मटेरियल सिलेबस बेसिकली वो कितना हेल्पफुल रहता है जब आप जॉब करियर में जाते हैं, तो दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है और कितना एक दूसरे में डिफरेंस है? अभी तो कॉलेज का सिलेबस थोड़ा चेंज हो रहा है, वो प्लस पॉइंट है, बढ़िया बात है, पर जो उनका मेन पॉइंट जो बेसिक होता है वो तो चलेगा चलेगा, पर जॉब में वो चीज़ नहीं पूछी जाती और थोड़ी यूज़ होती है, यूज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती, पर आप इसका बात नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास अभी ऑनलाइन सोर्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, यूट्यूब रहा और जो ऑनलाइन कोर्स देते हैं वो रहा, तो वहाँ से आप इजिली 1-2 महीने अंदर कोई भी स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। तो सर सबसे पहले आपने जब ये चीज़ स्टार्ट की थी कि मैं को कुछ सीखना है, तो सीखने के बाद आपको लगा कि अब मैंने कुछ किया है, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए होंगे, तो प्रोजेक्ट्स कहाँ बनाते हैं सबसे पहले अपना रिज्यूम और CV बनाने के लिए, तो जिससे वो कंपनी आपके प्रोजेक्ट्स को यहीं से देख पाए अपने रिज्यूम के हिसाब से, मतलब उसको वेरीफाई भी कर पाए कि आपने बनाया है, तो ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं? हाँ ऐसे में सबसे फेमस प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट वाला GitHub आता है, GitHub। हाँ उसके बाद में तो ये ओपन सोर्स वाले भी आते हैं, गिट लैब वाले भी आता है और बहुत सारे, पर सबसे फेमस GitHub है अभी फिलहाल के टाइम पे, तो वहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट मेंटेन कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपना कोड रह सकते हैं
और कोई और बंदा वहाँ पे आपको तोड़ दे सकता है, रिव्यू दे सकता है। तो सर इसमें किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स हम डाल सकते हैं, जैसे या तो सिर्फ सीएससी या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, किस तरह के हम प्रोजेक्ट्स डालते हैं? आप किसी भी टाइप के डाल सकते हैं प्रोजेक्ट, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। थोड़ा जो फाइल साइज होता है उस पर लिमिट होती है 100 MB वाली, वो आप हटा सकते हो, इतना ज़रूरी नहीं है। पर आप किसी भी टाइप पर कोई भी फॉर्मेट हो अपना, वो आप डाल सकते हो। तो जैसे मैकेनिकल में मैटलैब हो गया और ऐसी चीज़ें होगी, तो उन सबको आप एक कोडिंग में लिख के और वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। हाँ। जैसे कंपनी वहाँ पे जाके आपके सीवी पे जो लिंक होगा उस पर क्लिक करके वो जब चीज़ें देख सकते हैं। तो सर इसके बाद क्वेश्चन है कि अगर आपने एक बार नॉलेज ले ली है, प्रोजेक्ट्स कुछ बना लिए हैं, तो आप कंपनी के साथ कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे? तो वो क्या प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे हम सुनते हैं लिंक्डइन, naukri.com, ये कैसे हेल्पफुल रहते हैं, या आपको पर्सनली विजिट करके कॉन्टेक्ट करना होता है, कैसे करते हैं? ये अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो तो आपके लिए लिंक्डइन बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और बहुत सारे जॉब वाले कोर्स बने हुए हैं, जॉब हायर, जॉब हाइड्रो वाले बहुत सारे कोर्स बने हुए हैं, वहाँ पे आप जॉब दे सकते हो। और अगर आपके लोकेशन आस पास कोई जॉब है, कंपनी है, वहाँ पे आप ऑफलाइन भी दे सकते हो। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अभी है फिलहाल के टाइम पे। तो आपके हिसाब से जो ऑफलाइन अप्रोच है एक ऑनलाइन अप्रोच, फास्ट कौन सी और बेटर कौन सी? दोनों अपनी सही है, पर बात यह ना आपको कहीं और मूव करना है, आपके पास में कंपनी नहीं है या बढ़िया कंपनी नहीं है, आपको बढ़िया वाली चाहिए, दूसरी लोकेशन पे है, तो आप वहाँ पे जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगने वाला है, तो आप वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो उस कंपनी में। तो सर आपने जो स्टार्टिंग में जैसे आपने एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट किया, तो उसमें सबसे पहले आपने कौन कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट किया था और उसकी आपको गाइडेंस कहाँ से मिली? हाँ, मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट शुरू किया था यूट्यूब से, यूट्यूब पर चैनल था, बहुत सारे चैनल अभी भी है से चले रहे, वहाँ से मैंने शुरू किया था। चैनल का नाम बता सकते हैं? चैनल का नाम फिलिप्स रहा, टोडिंग फ्लो रहा, बहुत सारे चैनल, नाम याद नहीं रहते, बहुत सारे चैनल है, वो मैं आपको लिंक दे सकता हूँ, सारे चैनल लिस्ट वाला वहाँ से आप दे सकते हो। उस टाइम जो थी लैंग्वेज उस टाइम थी जावा ओनली वन, पर बाद में उनका इशू हुआ था लैंग्वेज वाला, तो बाद में गूगल वाला ने अपनी एक अलग लैंग्वेज बना दी थी टोटली, वो सेम जावा जैसी है, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है उसमें, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। अभी मोस्टली सभी डेवलपर टोटली यूज करते हैं। तो बेसिकली आपको करना ये है कि आप 5-6 यूट्यूब चैनल्स की लिस्ट बनाइए, जो भी आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कोर्सेज करवा रहे हैं फ्री, तो उसके बाद आप इसमें अपना इंटरेस्ट भी एनालाइज कर पाएंगे कि कितना है, आप कितना उसको सेटिंग टाइम दे सकते हैं, दे रहे हैं, और उसके बाद जो है आप एक बार एनालाइज कर लें कि आपको किस टीचर के साथ आपकी ट्रेनिंग अच्छी बैठ रही है, उसके बाद उन्हीं चैनल्स को फिगर आउट करके उन कोर्सेज को कंटिन्यू करें। तो इसके अलावा सर अगर मैं बात करूं कि यूट्यूब पे जो है एक क्लियर हमें 1x1 स्टेप्स में नहीं मिलता, कई बार पार्ट्स में हमें कोर्स मिलता है, तो अदर प्लेटफॉर्म कौन से हैं जहाँ से हम जो है बढ़िया से कम फीस में ऐसे जो है कोर्सेज कर सकते हैं स्किल इम्प्रूवमेंट? यूट्यूब के अलावा तो ब्लॉग मिल जाते हैं, जैसे अपना मीडियम रहा, हैसनोड रहा, वहाँ पे ब्लॉग आते रहते हैं इनके लिए, टीचिंग के लिए, और जो कोर्स के लिए आपके लिए यूडेमी रहा, सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म और सबसे सस्ता वाला, वहाँ से मिल जाते हैं। उसके अलावा भी हजारों प्लेटफॉर्म बने हुए हैं आज के टाइम पे, तो इंडियन भी बहुत सारे आए हैं अभी वहाँ पे। इंडियन में तो लर्न वन चल रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है कोर्स देता है, लेकिन सर्टिफिकेट के थोड़े कुछ चार्ज है, अराउंड 499 कुछ है, 500। हाँ, ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं अभी तो। तो सर इसमें आपके साथ इंटरव्यू में मुझे बहुत मजा आया पर्सनली, तो फाइनली आपकी कोई स्टूडेंट्स के लिए राय गाइडेंस? राय यही है कि अभी आप 2 या 3 साल अपना जो टॉपिक है जहाँ पे आप प्लेटफॉर्म या जहाँ पे आप अच्छा लगता है काम करना उसे आप सेलेक्ट कर लें, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी लाइब्रेरी हो, कुछ भी हो सकता है, वो आप वेब एंड्रॉइड कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसे आप थोड़ा एक्सप्लोर करें 2-3 साल, उसके बाद उसमें आप जॉब के लिए सर्च करें या कोई फ्रीलांस करते हैं वो सर्च करें। तो आई होप आपको इस इंटरव्यू में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि आप एज अ स्टूडेंट आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए अपने करियर की तरफ। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले कि आपका क्या पाथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए मैं रोहित जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
तो चलिए ऐसे ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आपके आप इस वीडियो के कमेंट्स वगैरह आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। जरूरत पड़ी तो हम रोहित जी से दोबारा कॉन्टेक्ट करेंगे। थैंक यू।